सो हेलो फ्रेंड, तो आज मैं आपको पोको X2 का कैमरा रिव्यू करने वाला हूँ। तो जैसा कि देख सकते हो, मेरे हाथ में अभी पोको X2 है, जो कि स्मार्टफोन मैंने लिया था। अभी करीब 4 महीना हो चुका है तो ये मैंने लिया था। तो देख सकते हो काफ़ी मतलब स्क्रैच पड़ गया है, ग्लास पे नहीं, वो है टेम्पल ग्लास है, तो उस पर काफ़ी मतलब स्क्रैच पड़ गए। तो आज आपको मैं कैमरा रिव्यू दिखाने वाला हूँ। तो कैमरा कैसा है, अभी सब फ़ोटो क्लिक करके अभी वीडियो ग्राफिक्स सब मैं दिखाऊंगा आज मैं इस वीडियो में। तो देखते रहिए, आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक वॉच करते रहिए, एंड इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। तो देख सकते हो, ये चलते हैं, ये देख सकते हो, ये नॉर्मल फ़ोटोज़ हैं, ये नॉर्मल पोको X2 से खींचा गया है, ये पोर्ट्रेट था। और ये फ्रेंड 10x जूम का है, 10x जूम देख सकते हो काफ़ी दूर, ये नॉर्मल एक फ़ोटो है, नॉर्मल एक्स जूम पे रहता है। तो ये देख सकते हो वाइट एंगल लेंस से खींचा गया है, तो काफ़ी दूर मतलब दिखाई दे रहा होगा। और ये है मेरा फ्रंट कैमरा, एंड ये भी नॉर्मल ही कैमरे से खींचा गया, नॉर्मल, और ये वाइट एंगल लेंस। तो देख सकते हो काफ़ी फ़र्क है दोनों में। तो ये वीडियो देख सकते हो, वीडियोग्राफिक देख सकते हो, 4K में मैंने किया है, 4K 30 FPS में। तो ये देख सकते हो स्टेबलेशन मतलब क्या है, स्टेबलेशन काफ़ी अच्छा है इसका, एंड मतलब जूम भी काफ़ी अच्छा होता है। तो देख सकते हो काफ़ी मतलब ग्राफिक कवर करता है दूर तक, ये देख सकते हो इधर भी, तो ये देख सकते हो। एंड अब इधर आप बात करते हैं, तो ये देखिए 60 FPS में इस वीडियो को बनाया है। तो ये इसमें स्टेबलेशन है ही नहीं ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा इधर उधर होता है, तो देख सकते हो। तो फ्रेंड, अब मैं आपको कैमरे का स्लोमो दिखाता हूँ, स्लोमो देख सकते हो 120 FPS में बनाऊँगा। तो ये देखिए, ये 120 FPS में तो काफ़ी मतलब स्लो है, एंड कितना है देख सकते हो, 240 FPS है। तो इसको देख सकते हो कुछ इस टाइप का स्लोमो है। एंड अब फ्रेंड सुपर स्लोमो आप करके देखेंगे, सुपर स्लोमो कैसा होता है। तो चलते हैं सुपर स्लोमो, आप देख लीजिए पहले। तो सुपर स्लोमो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे सुपर स्लोमो। तो फ्रेंड ये है सुपर स्लोमो। तो फ्रेंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड बेल आइकन को भूलना नहीं।